Hello, my name is Aditya Redij and you're watching me on Cine Speaks. So, हमारे समक्ष बैठे हैं पौरव नरेश बमनी. So, sir, पोरस की शूटिंग से पहले क्या आपको पोरस की लाइफ के बारे में, पोरस की कथा के बारे में कोई आइडिया थी, कोई अनुमान था? वैसे पोरस और अलेक्जेंडर की स्टोरी के बारे में तो सब जानते हैं और मुझे उतनी नॉलेज थी जितना एक साधारण इंसान को नॉलेज होती है इस शो के इस कैरेक्टर के बारे में. बट एज आई न्यू कि मुझे ये आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, तो आई ट्राई टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन द सेम. लेकिन क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बहुत कम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब हम थाईलैंड के शूट के लिए निकल रहे थे तो उसके एक दिन पहले मेरी मीटिंग हुई थी सिद्धार्थ जी से और राहुल जी से, एंड देन दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. तो आई डिडंट रियली गेट मच टाइम टू यू नो रिसर्च ऑल्सो ऑन इट. सो पोरस की पोरस लाइक वन ऑफ द हाईली बजटेड टीवी सीरियल है एंड उस सीरीज का पार्ट होना इज अ ग्रेट थिंग. सो हाउ वर यू एक्चुअली अप्रोच्ड एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन व्हेन यू केम टू नो दैट यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ बमनी इन द फिल्म? सो मेनी क्वेश्चंस टुगेदर. तुमने तो पैसे भी इन्वॉल्व कर दिए, पैशन भी इन्वॉल्व कर दिया, सब कुछ एक साथ इन्वॉल्व कर दिया. वेल, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, बजट से फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज फॉर मी एटलीस्ट as long as the character is nice and I am interested in playing the character. तो जब मुझे इसका narration दिया गया था बमनी के character का, सिद्धार्थ जी ने मुझे इस character के बारे में थोड़ा सा brief दिया था, तो I instantly liked the character, the aura of that character, the way he you know, मैंने जिस तरह imagine किया था कि एक राजा कैसे behave करेगा, चलेगा, बात करेगा, तो उस हिसाब से I could see it as a very strong character and that is where I was sold कि एक तो सिद्धार्थ जी के साथ काम करना है, I know the kind of work that he does, the kind of vision that he has, तो I was very very excited to be a part of Porus. So getting into the character and then coming out from that character is something जो एक actor के लिए काफी डिफिकल्ट होता है. सो हाउ डू यू मैनेज लाइक गेटिंग इनटू द कैरेक्टर? कौन है उस पर डिपेंड करता है ना, मैं 10 साल से यही काम कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ऐसे नहीं है कि तुम एक कैरेक्टर करो तो उस कैरेक्टर में घुस जाते हो. नो, यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टर, द वर्क दैट यू डूइंग एंड योर पर्सनल लाइफ. सो आई नो दैट डिस्टिंक्शन क्लियरली, सो आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम. पोरस, डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन? या सो पोरस स्टोरी में जो पोरस की स्टोरी है उसमें दिखाया गया है एक पिता और एक बेटे का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते की अहमियत बताई गई है. दूसरी ही ओर एक और सिनेरियो बताया गया था कि कैसे एक बेटा अपने पिता को ह्यूमिलेट करता है या अपने पिता की इज्जत. हाँ, सो हाउ व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू योर फैंस रिगार्डिंग द सेम? As in what? As in to respect your parents and... Of course, I would suggest them to respect the parents because that is what ethically is right. And jo Kanish, jo khubiya Kanish ne dikhai hai, wo please follow na kare, kyunki that is not the right way. Porus mein jo khubiya hai, as a hero, wo sari khubi apne life mein aap azmaye, to achha hoga. So we will carry forward with the rapid fire round. Okay. First question, what is your best memory on sets of Porus? Any best memory? It was 4:38 in the morning and Siddharth Kumar Tewary was shooting one of my most favorite and most intense scenes. Jahan main pura bald hu and it was early in the morning and it was kind of a one shot. और जब वो शॉट खत्म हुआ था तो सिद्धार्थ जी जस्ट स्टूड अप एंड स्टार्टेड क्लैपिंग और जो पूरा सेट सोया हुआ था क्योंकि सुबह के 5 बजे थे, सब लोग ताली बजाने लगे. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट मेमोरेबल. सो एनी ड्रीम कैरेक्टर यू वांट टू प्ले इन योर करियर? आई हैव नॉट रियली थॉट अबाउट दैट. जैसे मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो आई स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट दैट कैरेक्टर, सो आई डोंट हैव अ ड्रीम कैरेक्टर. Favorite co-star? Well, all of them have been my favorite. If we ask to name any one of them, फिर बाकियों के लिए अच्छा नहीं होगा ना.
सबको अच्छा फील कराना चाहिए, सभी पसंद है। सो आपका एंड अनुसुईया मैम का जो अनुसुईया कैरेक्टर है बमनी एंड अनुसुईया का जो बॉन्ड है काफ़ी स्पेशल है, सो काफ़ी दिखता है वो ऑन स्क्रीन भी। सो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कुछ बताएंगे आप आपके और अनुसुईया मैम की, के कुछ हुआ हो आपके और रति मैम की? रति हाँ, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो अलग है ना। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हमने बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया है, हम स्क्रिप्ट रीडिंग जितना हो सके, हमारे जो सीन्स होते हैं एक साथ हम साथ में स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं। वी आर वेरी ओपन फॉर इनपुट्स बोथ वेज, कोई सजेशन हो कोई उसमें ये नहीं है कि नहीं यू नो आई एम अ लिटिल मोर नॉलेजेबल देन यू, और ऐसा कोई नहीं है। वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद एंड आई थिंक दैट कंफर्ट लेवल इज सीन इन द कैरेक्टर्स दैट वी प्ले, इसलिए लोगों को वो कैरेक्टर भी अच्छा लगता है एंड दे स्टार्ट लाइकिंग द केमिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर्स। एनी फनी मोमेंट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन? फनी मोमेंट्स तो बहुत सारे होते रहते हैं। ऐसा कोई जो आपके ज़हन में हो अभी जो काफ़ी रिसेंटली हुआ है ऐसा कुछ? बहुत सारे होते रहते हैं, मैं कैसे बताऊँ। कभी कभी क्या होता है बिकॉज एज एक्टर्स वो हम फील कर सकते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन वी डूइंग अ वेरी इमोशनल सीन, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और तभी अगर किसी के ऐसे नद गिर जाए या कान की पाली गिर जाए तो थोड़ा सा ऑकवर्ड और फनी मोमेंट हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लास्टली अगर कोई मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहें रिगार्डिंग योर शो? वेल हमने ये शो बहुत ही मेहनत बहुत ही प्यार से बनाया है, और लोगों ने वो विश्वास और वो इंटरेस्ट हमें स्टार्टिंग से ही दिखाया है एंड स्टिल वी आर द नंबर वन शो ऑन सोनी। सो आई विश कि और लोग इस शो से जुड़े एंड वी आर अप्रिशिएटेड फॉर द हार्ड वर्क दैट वी डू, क्योंकि एक साल तक लगातार इस तरह का स्ट्रेसफुल वर्क करना इज़ नॉट अ ईजी जॉब एंड वी हैव बीन रिपेड, बट वी ऑलवेज एज ह्यूमंस होप फॉर मोर। And lastly, any future plans? Future plans, see, I don't make plans, they happen. So let's see what happens next. So there's nothing you have signed except for like after Porus, which you would like to? No, there are talks that are going on, but मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक मैं किसी एक चीज़ को dedicated हूँ तब तक मैं दूसरी चीज़ में हाथ नहीं डालता, तो definitely it will go on papers once this is done. Okay, thank you so much, it was fun talking to you. Thank you.